वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंडर दिलाना चाहता हूं, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। अब क्या है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, क्लियर है। नाउ आपको साइड गिवन है, आपसे पैरामीटर पूछ रहे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल। साइड क्या गिवन है, एल। वी नो दैट, हमको मालूम है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 × साइड, ये फॉर्मूला होता है। आप देखिए 3, साइड हमको क्या गिवन है, एल। आंसर क्या हो जाएगा, 3L यूनिट से, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्या है पैरामीटर, 3L यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन सी फिगर इज डोनेटेड बाय एल। किस रेगुलर हेक्सागन की साइड एल से डोनेट कर रहे हैं, क्लियर है। हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 1 2 3 4 5 6। एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल। अब हमको क्या इसका पैरामीटर बताना है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है हमको इसमें, गिवन है द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एल। वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज क्या होता है, 6 × साइड, ये फॉर्मूला होता है रेगुलर हेक्सागन का, 6 × साइड क्या गिवन है हमको, एल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6L यूनिट्स। क्या आएगा आपका रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर, 6L यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए क्यूब इज ए 3-डाइमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर, इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। The length of an edge of the cube is given L. Find the formula for the total length of the edge of a cube. अब देखिए आपको क्यूब गिवन है, ये क्यूब है। अब देखिए इसमें लेंथ क्या है आपके, L है, क्लियर है। अब हमको मालूम है क्यूब में क्या क्या होता है, ये देखिए क्यूब है, इसमें ये क्या है आपके फेस है, 1 2 3 4 5
फाइव सिक्स, कितने फेसेस होते हैं? सिक्स फेसेस होते हैं एक क्यूब में। अब देखिए इसमें एजेस कितने होते हैं, देखिए वन टू थ्री फोर, फोर हो गए। इसके बाद में फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, कितने हो गए? ट्वेल्व एजेस हैं। क्लियर है? चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है द एज ऑफ द क्यूब इज एल, ये गिवन है। वी नो दैट क्यूब हैज 12 एजेस एंड 6 आइडेंटिकल फेसेस। क्लियर है? आप देखिए हमको क्या निकालना है। लेंथ ऑफ द एजेस क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द एजेस कितनी एजेस हैं? 12, 12 इंटू एल क्या हो जाएगी? 12 एल यूनिट्स लेंथ निकाली है हमको एजेस की। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस देयर फॉर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 12 एल, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या है इसमें? डायमीटर गिवन है हमको ए टू बी, ये क्या है? डायमीटर है हमारा, ये आपका सर्कल है, देखिए ये सेंटर है, सेंटर क्या है आपका? सी। अब सेंटर से क्या एक लाइन पास कर रही है? ए बी, ये क्या कहलाएगी आपकी? डायमीटर। यही बोल रहे हैं उसमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी, ए बी क्या है आपका? डायमीटर इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी इज इट सेंटर, सी क्या है? सेंटर पॉइंट है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। अब हमको इसकी रेडियस क्या दी हुई है? सी पी आर। अब हमको इसको एक्सप्रेस करना है रेडियस के फॉर्म में। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या गिवन है हमारे पास? जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे, गिवन है हमारे पास रेडियस आर, डायमीटर डी। क्लियर है? वी नो दैट, हमको मालूम है डायमीटर इक्वल क्या होता है? डायमीटर इक्वल होता है टू इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का जस्ट डबल। आप देखिए ओ से ये क्या है? डायमीटर है। क्या है? रेडियस है। ओ से भी, सी से भी क्या है? रेडियस है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ए से भी डायमीटर। क्लियर है? आप देखिए हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, डायमीटर को हम डी से टू, रेडियस को आर से, तो क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू आर।
ये आपका आंसर है। क्या है आंसर है? क्या पूछा था हमसे? एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर को हमने रेडियस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टू फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स 14, 27 एंड 13। वी कैन हैव टू वेज। हमारे पास दो तरीके हैं। ए पार्ट है बी में फर्स्ट एट 14 एंड 27 टू गेट 41 एंड देन एट 13 टू गेट द टोटल सम 54। बी पार्ट है आपका बी में एट 27 एंड 13 टू गेट 40 एंड देन एट 14 टू गेट द सम 54। आप देखिए एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें देखिए इक्वेशन है आपके पास। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 14 प्लस 27 क्या होगा? 41 प्लस 13 करेंगे क्या होगा आंसर हमारा? 54। यही बोला है ए पार्ट में। बी में एड 14 एंड 27 टू गेट 41 एंड देन एड 13 टू गेट 54। नाउ सेकंड पार्ट में आपसे बोला है बी में एड 27 एंड 13। 27 एंड 13 को हम ऐड करेंगे, पहले क्या मिलेगा हमको? 40। देन वी हैव टू ऐड 14। 14 ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमको? 54। अब देखिए ये आपको मिल रहा है 54 दोनों साइड। इसका सॉल्यूशन होगा आपका गिवन थ्री नंबर्स आर ए बी एंड सी। नाउ वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ए प्लस बी 10 प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी हुई है। इसमें क्या है, फर्स्ट हम ऐड करते हैं फर्स्ट टू नंबर्स को ए प्लस बी, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उस नंबर को हम ऐड करेंगे सी में। नाउ नेक्स्ट हम उस नंबर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी दो नंबर का ऐड करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे ए को। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? सो बच्चों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 के साथ। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।